हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कोई रेसिपी नहीं है, आज सिंपल मेकअप लुक है। प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, आप उसमें से आधे प्रोडक्ट्स तो आप यूज भी करते होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेकअप लुक कैसे लगा वो भी बताना, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम हमारे स्किन केयर रूटीन पूरी कर लेते हैं। मेकअप के लिए स्किन को प्रिपेयर करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। टोनर आपके स्किन के सेल गैप्स को टाइटन अप करता है एंड ओपन पोर्स को क्लोज करता है। यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट टोनर यूज कर रही हूँ, जो कि आपके स्किन को ग्लो करता है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैं नेविया का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। बेस्ट मॉइस्चराइजर है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, स्मूथ रखता है। इसे भी हम हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्किन में एब्जॉर्ब होने तक के अप्लाई करनी है। आप इस मॉइस्चराइजर को एज अ डे क्रीम और एज अ नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हो। नाउ अब बारी आती है प्राइमर की। यहाँ पे मैं प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। प्राइमर आपके स्किन को स्मूथन आउट करता है एंड आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है। आपके ओपन पोर्स प्रॉब्लम को फिलअप करता है एंड ब्लेमिशेस को ब्लर आउट करता है। आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर अप्लाई कर सकते हो एंड मोस्ट अफोर्डेबल भी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है। अब प्राइमर के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। ये मैं लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन यूज कर रही हूँ विथ SPF एट। एप्लीकेटर के साथ हम डॉटिंग मोशन में फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन, मिनिमम प्राइस में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एकदम ही लाइट वेटेड है। लगाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है और बिल्कुल भी केकी नहीं है। अब एप्लीकेटर से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से फाउंडेशन को लगा लेंगे। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो। इस फाउंडेशन की वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है, फुल कवरेज नहीं देता है लेकिन फुल से थोड़ा कम देता है एंड मीडियम से थोड़ा ज़्यादा कवरेज देता है। इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन विथ अफोर्डेबल प्राइस। फेस पर अप्लाई करने के साथ साथ नेक और अपने ईयर में भी अप्लाई किया करें। फेस, ईयर एंड नेक इक्वल दिखना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है ना, सिर्फ फेस ही ज़्यादा ग्लो करता है, फेस ही वाइट वाइट दिखता है और बाकी डल दिखता है। अब यहाँ पे मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि क्रीज लाइन ना हो, फाइन लाइंस ना हो एंड अपना बेस भी फ्लॉलेस दिखे। ये टू वे केक पाउडर है, आप इसे एज अ पैनकेक भी लगा सकते हो और एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हो। और हाँ, ये भी बता दूँ कि ये मैंने एक साल पहले लिया था, अभी इसकी पैकेजिंग चेंज हुई है और प्राइस भी बढ़ गई है। अगर इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मक्खन जैसा है, सॉफ्ट है एंड हाई कवरेज देता है, बिल्कुल भी केकी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड SPF 32++++ है, जो कि हार्मफुल सनरेज से प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देता है। स्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाना भी मत भूलना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके लिप्स को ड्राई नहीं करता है। अब ये मेरी आदत है कि मैं लिप्स को लगाने के साथ साथ अपने आईब्रोज एंड आईलैशेस को भी लगाती हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मैक की आईब्रो पेंसिल। मेकअप करते समय आपके आईब्रोज को डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट आईब्रो डिफाइनिंग यूर मेकअप इज़ नथिंग। After using eyebrow pencil, please use the spoolie. This is the most important process to set your eyebrows equally. इससे कहीं पर भी अगर कम ज़्यादा पेंसिल यूज हुई हो तो वो इक्वली सेट हो जाती है। Now अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। ये मैं हुडा ब्यूटी पैलेट में से पिंकिश शेड चूज कर रही हूँ। हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप कर रहे हैं तो हमें आई मेकअप का बेस भी सिंपल रखना है, ताकि बेस ज़्यादा डार्क ना दिखे। तो आई शेडो कैसे अप्लाई करेंगे, हमें अपने पहले आउटर कॉर्नर में रखना है ब्रश को, देन इनर कॉर्नर तक, आउटर टू इनर ऐसे करते हमें पूरे अपने आईलिड पर अप्लाई करना है। ये प्रोसेस हमें एकदम ही हल्के हाथों से करनी है। अब देखो, हमने बेस तो लगा लिया, अब हम अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा पीच शेड लेकर। ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी आईज़ बहुत ही हुडी है, थोड़ी सी चीनी मिनी टाइप से है, तो मुझे मेरी आईज़ उठकर दिखना चाहिए, इसलिए मैं क्रीज को डिफाइन करती हूँ।
इसी तरह हम अपने दूसरे आइज पर भी अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना, सिंपल नेचुरल लुक। अब हम एक स्मॉल एंगुलर आई शेडो ब्रश लेंगे एंड अपने आउटर अपर वाटर लाइन को थोड़ा सा नेचुरल लुक देंगे, आईलाइनर जैसा लुक देंगे, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर। ये मैंने यहाँ पे हाफ एंड हाफ का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आईलाइनर यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ आई शेडो से ही हल्का थोड़ा सा लुक दूंगी। अगर आप बिगिनर हो और आपको आई शेडो पैलेट लेनी है तो ये पैलेट आपके लिए बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पैलेट है एंड सभी कलर्स शिमर है एंड अफोर्डेबल भी है। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, प्लीज़ चेक करना। मैंने यहाँ पे हल्का सा विंग क्रिएट किया है। इसी तरह हम दूसरे आइज को भी लगा लेंगे। हम हमारे लोअर वाटर लाइन को भी डिफाइन करेंगे। जो हमने बेस लगाया था पिंकी शेड का, वही कलर यूज़ करेंगे। ये अर्बन डिके नेक्ड 3 के ब्रशेस है, आई शेडो ब्रशेस है फॉर अप्लाइंग आई शेडो। ये ब्रशेस बेस्ट है। मस्कारा अप्लाई करने से पहले स्पूली की हेल्प से अपने आई लैशेस को सेपरेट कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, आई लैशेस भी सेपरेट हो जाते हैं और मस्कारा भी बहुत अच्छे से लग जाता है। मुझे लोअर लैशेस पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही थोड़े से हैं। यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का काजल यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आउटर कॉर्नर में। हमें अपने पूरे वाटर लाइन पे काजल नहीं अप्लाई करना है। इससे ना अगर आपकी आईज़ मेरे जैसे चीनी मिनी सी हो तो और उठ के दिखती है। ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, डियन ब्रांड है, अच्छा है। अब हम लगाएंगे मस्कारा। ये मैक का मस्कारा है, ख़त्म होने को आया है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ इसे। हम दोनों आईज़ के अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई करेंगे। देखिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप लुक रखना है तो आप या तो मस्कारा यूज़ कीजिए या तो आईलाइनर यूज़ कीजिए, सिंपल में बेस्ट दिखेगा। चलो अब हम ये छोटा सा पाउडर ब्रश लेंगे और ब्लश अप्लाई करेंगे। मैं हुडा ब्यूटी पैलेट में से पीच शेड लूँगी, जो कि मैंने आईज़ के क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया था। ब्लश भी आपको एकदम हल्के हाथों से लगाना है, राउंड राउंड एंड अपवर्ड ऐसे डायरेक्शन में लगाना है तो ब्लश आपका एकदम ही परफेक्ट लगेगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, कोई नहीं, क्लीन ब्रश के साथ हम क्लीन कर लेंगे। देखिए हो गया ना इक्वल। अब मैं उसी हुडा ब्यूटी पैलेट में से ये डार्क शेड चूज़ करूँगी ब्राउनिश, अपने फेस को कॉन्टर करने के लिए। तो कॉन्टर अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा पाउट करना पड़ेगा, देन लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में आपको कंटिन्यू ब्रश चलाना है। बहुत ही हल्की सी कॉन्टोरिंग करनी है। ब्रश चलाते चलाते हमें लेफ्ट राइट एंड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट एंड डाउनवर्ड इस टाइप से ब्रश चलाना है ताकि आपकी कॉन्टोरिंग परफेक्ट लगेगी एंड आपकी जॉ लाइन भी उठकर दिखेगी, डबल चिन नहीं दिखेंगे। इस तरह से आपको कॉन्टोरिंग करनी है। अब यहाँ पे हाइलाइटर के लिए मैं शिवाना का शिमर ब्रिक हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर 01। ये भी हमें हल्के हाथों से करनी है, दिखना नहीं चाहिए कि हमने हाइलाइटर लगाया है। हम हमारे चीक्स के ऊपर, नोज़, चिन एंड फोरहेड यहाँ पर हम हाइलाइटर लगाएंगे ताकि उठकर दिखे, ग्लोई स्किन दिखे। नाउ अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैं कौन सी भी लिपस्टिक यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मिस क्लेयर की लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी पीची एंड पिंकिश शेड में। वो भी मैं पूरी तरह से नहीं लगाऊंगी, हल्का हल्का सा आउटलाइन करूंगी एंड देन अपने लिप्स को मिक्स एंड मैच करूंगी। देखिए लग रहा है ना प्रीटी से लिप्स। तो चलिए अब इयर रिंग्स भी पहन लेते हैं।
नाउ सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। यहाँ पे मैं सबसे अफोर्डेबल फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो है रोज़ वाटर। जी हाँ, रोज़ वाटर को आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, मेकअप इज़ रेडी। अगर मेकअप पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।